अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इट्स योर बटरफ्लाई सोशल स्टडी क्लास 3। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ आवर टॉपिक औरंगजेब आलमगीर। क्लास 3 सोशल स्टडी एंड टॉपिक इज औरंगजेब आलमगीर। टॉपिक इज औरंगजेब आलमगीर। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करने हैं, इनको लर्न करना है और फिर अपने रजिस्टर पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द वॉर एलिफेंट। कि औरंगजेब ने अपने आप को, जब एलिफेंट्स की जंग थी तो उसमें अपने आप को उसने कैसे बचाया था, तो इसका जिक्र उसमें लेसन में भी है कि औरंगजेब वाज ओनली 15 इयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय अ वॉर एलिफेंट। कि औरंगजेब सिर्फ 15 साल का था जब उस पर एलिफेंट की वार में एक एलिफेंट ने अटैक कर दिया था। ही वॉज नॉट स्केयर्ड एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं था डरा, इतना बहादुर था कि वो बिल्कुल नहीं था डरा कि एलिफेंट जो है वो मेरी तरफ आ रहा है या मुझ पर अटैक कर देगा। ही रेन टू वर्ड्स इट एंड थ्रू अ लॉन्ग रॉड विद पॉइंटेड एंड। वो उसकी तरफ भागा और उसने एक लंबा सा रॉड फेंका उसकी तरफ और उसके पीछे से पकड़ के उसने फेंका। इनटू द एलिफेंट ट्रंक, एलिफेंट के ट्रंक में वो लगा एंड सेव हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को बचा लिया। यानी औरंगजेब सिर्फ अभी 15 साल का था जब उस पर एक एलिफेंट ने अटैक कर दिया था। एलिफेंट की जंग थी, जंग में पुराने जमानों में एलिफेंट और घोड़े इस्तेमाल होते थे। He was not scared at all, वो बिल्कुल नहीं घबराया था, वो डरा नहीं था कि इस तरह से अटैक करने लगा उस पर एलिफेंट। He ran towards it and threw a long rod with pointed end, उसने एंड से उसको पकड़ा और उस रॉड को उसकी तरफ फेंका जो उसका सही निशाने पर लगा और एलिफेंट की ट्रंक में लगा, एलिफेंट के सूंड में वो लगा। एंड सेव्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को बचा लिया। एलिफेंट जख्मी होके गिर गया और उसने अपने आप को इससे इस वार में एलिफेंट से अपने आप को बचा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट वाज हिज डेली रूटीन। कि वो डेली की उसकी रूटीन क्या थी औरंगजेब की, वो डेली क्या करता था। इसका आंसर है ही डेली वोक अप लिटिल आफ्टर मिडनाइट। कि वो आधी रात के बाद जाग जाता था, रोज उसकी ये रूटीन थी डेली की कि वो आधी रात के बाद जाग जाता था फार तहज्जुद, तहज्जुद की नमाज के लिए। फार तहज्जुद, तहज्जुद की नमाज के लिए। एक तो 5 फर्ज नमाज होते हैं ना जो हम सब पढ़ते हैं, एक तहज्जुद की नमाज होती है जो मिड नाइट के बाद जो है ना वो पढ़ी जाती है, तो वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता था। ये नफली नमाज है, 5 नमाजों का फर्ज है ना, ये नफली नमाज है, तो इसकी वैसे अहमियत बहुत ज्यादा है। वो तहज्जुद के लिए आधी रात के बाद उठता था, रिसाइट कुरान और कुरान की तलावत करता था, एंड देन रोट हिज बुक फतवा आलमगीरी, और वो एक बुक भी लिखा करता था। उसने अपनी जिंदगी में 4 बुक्स लिखी थी, इसमें से एक बुक थी फतवा आलमगीरी, जो वो मिड नाइट के बाद उठकर नमाज पढ़ के तहज्जुद की कुरान की रेजिटेशन करके फिर वो ये बुक लिखा करता था फतवा आलमगीरी। और फतवा आलमगीरी बुक किस चीज के मुतल्लिक थी, फतवा आलमगीरी टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ इस्लाम इन डिटेल, जिसमें वो इस्लाम के रूल्स को डिटेल के साथ, वजाहत के साथ, तफसील के साथ जो है ना उसने एक्सप्लेन किए थे। देन ही इश्यू कैप्स, और इस्लाम के असूलों को उसने वजाहत की थी इस अपनी बुक में फतवा आलमगीरी में,
और जब वो ये किताब लिख के फारोग होता तो फिर उसकी क्या डेली रूटीन थी, ही स्यू कैप्स, कि वो टोपियां सीता था और टोपियां सीकर अपनी रोजी कमाता था। ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने अच्छी तरह से रीड करने हैं, लर्न करने हैं और अपनी रजिस्टर पर आपने इनको नोट करना है।